नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चौहान वीडियोस और इस वीडियो में हम बात करेंगे जून एग्ज़ाम 2020 पोस्टपोन हुए हैं या नहीं हुए हैं उसके बारे में। इग्नू ऑफिशियल्स ने क्या कहा जब मैंने उनसे बात की व्हाट्सएप के जरिए भी और ट्विटर के जरिए भी। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, ध्यान से देखें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो वीडियो की शुरुआत करते सबसे पहले मैं आपको वो पोस्ट दिखा देता हूँ जो कि सर्कुलेट किया जा रहा है काफ़ी सारे ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, जिसमें बताया जा रहा है कि इग्नू के एग्ज़ाम्स जो हैं वो पोस्टपोन हो चुके हैं। तो पहले मैं उसे दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर इग्नू के ऑफिशियल्स की तरफ से क्या रिप्लाई आया। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आप इस पोस्ट को देख सकते हैं, इसका मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया था। ये इग्नू के व्हाट्सएप ग्रुप्स में और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें बताया गया है, इसको मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ। इग्नू, डियर लर्नर्स, ड्यू टू कोरोना वायरस रिलेटेड गवर्नमेंट एडवाइजरी, जून 2020 टर्म एंड एग्जामिनेशन हैज़ बीन एक्सटेंडेड अप टू 30 जून 2020। लर्नर्स आर रिक्वेस्टेड टू वेट फॉर न्यू डेट फॉर एग्जामिनेशन। इन्फॉर्मेशन ऑन मैनर इन विच एग्जामिनेशन आर टू बी हेल्ड ऑन विल बी इन्फॉर्म शॉर्टली इन द मीन टाइम। लर्नर्स आर एडवाइज टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन। यानी कि इसमें कहा जा रहा है कि एग्ज़ाम जो है वो 30 जून तक पोस्टपोन कर दिए गए हैं और आगे आने वाली डेट आपको बताई जाएगी। तो ये पोस्ट है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के बीच में शेयर किया जा रहा है और इसकी वजह से ही काफ़ी सारी कन्फ्यूज़न हो रही है कि क्या इग्नू की तरफ से एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिए गए हैं और अब हमें जून में एग्ज़ाम नहीं देने पड़ेंगे। तो मैंने इसके बारे में व्हाट्सएप में पूछा इग्नू ऑफिशियल की मैडम से। तो अब हम उसके ऊपर चलते हैं, जहाँ पर मैं आपको इसके बारे में बताऊँगा कि आगे क्या क्या होने वाला है। तो आप इस पोस्ट व्हाट्सएप पोस्ट को देख सकते हैं जिसमें मैंने मैडम से, जो इग्नू ऑफिशियल हैं, उनसे पूछा कि क्या ये जो व्हाट्सएप पोस्ट सर्कुलेट हो रहा है क्या ये सही है और क्या सच में इग्नू के एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन होने वाले हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं जो भी कि मैंने पूछा कि क्या ये व्हाट्सएप पोस्ट जो कि RC Delhi 3 की तरफ से सर्कुलेट किया जा रहा है क्या वो सही है। तो मैडम का रिप्लाई भी आया इसमें, जिसमें उन्होंने बताया कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो होगी वो सिर्फ वेबसाइट पर होगी, इस तरीके से व्हाट्सएप पर कोई अनाउंसमेंट नहीं की गई है। और अगर कोई अनाउंसमेंट इस तरीके की पोस्टपोन करने की एग्ज़ाम की होती है तो वो अभी तक नहीं हुई है, और अगर होगी तो इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पर होगी, व्हाट्सएप के जरिए नहीं होगी। इसके साथ साथ मैंने ट्विटर पर भी मैडम से, ट्विटर पर भी इग्नू ऑफिशियल से सवाल पूछा, तो उस पर उनका क्या रिप्लाई आया उसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको देख सकते हैं, इग्नू जून टर्म एंड एग्ज़ाम नॉट पोस्टपोन्ड। ऑफिशियल्स की तरफ से ये बताया गया कि इग्नू जून टर्म एंड एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं किए गए हैं। आगे हम पूरी सी खबर पढ़ लेते हैं। इग्नू स्टूडेंट्स आर रिसीविंग फेक अलर्ट्स थ्रू सोशल और जून एग्ज़ाम टू वन सच क्वेरी। द इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी हैज़ क्लैरिफाइड दैट द जून टर्म एंड एग्जाम्स हैव नॉट बीन पोस्टपोन्ड। इट हैज़ अर्ज्ड स्टूडेंट्स टू फॉलो द वेबसाइट फॉर अपडेट रिगार्डिंग द एग्ज़ाम। यानी कि कहा जा रहा है कि काफ़ी सारे इस तरीके के फेक अलर्ट्स और फेक व्हाट्सएप पोस्ट सर्कुलेट हो रहे हैं, जिनमें बताया जा रहा है कि जून एग्ज़ाम पोस्टपोन किए जा चुके हैं, जबकि अभी तक ऐसा कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। आगे आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मेरा ही ट्विटर अकाउंट है जिसको इसमें पोस्ट किया गया है, क्योंकि मैंने ही ये सवाल इग्नू ऑफिशियल से पूछा था। तो आप देख सकते हैं, आप चाहे तो फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर मैंने ये सवाल पूछा था जिसमें साफ इग्नू ऑफिशियल्स की तरफ से बताया गया कि इन्फॉर्मेशन जो है ये गलत है और यूनिवर्सिटी ने इस तरीके का कोई भी डायरेक्टरी एडवाइस नहीं की है। इग्नू ने अभी तक इस तरीके का कोई भी डायरेक्टरी एडवाइस नहीं की है कि आपका जो इग्नू जून एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन कर दिए गए हैं। आगे अगर इस तरीके की कोई अनाउंसमेंट होती है तो उसके बारे में जानकारी दी जाएगी, लेकिन जो जानकारी दी जाएगी वो भी इग्नू की वेबसाइट के जरिए ही दी जाएगी, जिस तरीके से बाकी नोटिफिकेशन आते हैं। तो इसलिए अभी तक कम से कम जून के एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं हुए हैं, ये बिल्कुल क्लियर हो गया है। इग्नू ऑफिशियल्स की तरफ से ये बात बता दी गई है कि जून एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन नहीं किए गए हैं अभी तक। आप यहां पर देख सकते हैं, करंटली स्टूडेंट्स वो विल अपेयर फॉर द टर्म एंड एग्जामिनेशन इन जून आर बिजी विद देयर असाइनमेंट्स एंड प्रिपरेशन। और बाकी स्टूडेंट जो है वो असाइनमेंट की तैयारी कर रहे हैं। तो आप यहां पर देख सकते हैं, सो फार इग्नू हैज एक्सटेंडेड द असाइनमेंट सबमिशन डेट बाय अ मंथ। स्टूडेंट्स वो आर ड्यू टू अपेयर फॉर द जून टर्म एंड एग्जाम कैन सबमिट देयर असाइनमेंट्स एंड द एग्जाम फॉर्म्स लेटेस्ट बाय April 30। जो भी एग्ज़ाम में अपना बैठना चाहते हैं वो अपने असाइनमेंट को सबमिट करवा सकते हैं 30 अप्रैल तक। और टू मेक इट मोर कन्वीनियंट फॉर द स्टूडेंट, इग्नू हैज ऑल्सो अलाउड देम टू सबमिट देयर असाइनमेंट्स ऑनलाइन। और जैसा कि इसके बारे में तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि अब आप असाइनमेंट्स अपने ऑनलाइन भी सबमिट करवा सकते हैं अपने रीजनल सेंटर की तरफ से, जो ईमेल आईडी आपको असाइनमेंट सबमिट करने के लिए दी गई है। तो अब आपके मन में क्लियर हो गया होगा कि अभी तक इग्नू के जून टर्म एंड एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं किए गए हैं।
मैंने व्हाट्सएप के जरिए भी और ट्विटर के जरिए भी दोनों जरिए से पूछ लिया और इसमें एक ही रिप्लाई आया कि अभी तक इस तरीके के कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो इस वीडियो में इतना ही। अब आपकी ये कन्फ्यूज़न कम से कम क्लियर हो गई होगी कि जून एग्ज़ाम पोस्टपोन हुए हैं या नहीं हुए हैं। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। इस वीडियो में इतना ही।